भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है, जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस हैं उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे, हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हमारा, हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। ये इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं, भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून के तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है, जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था। और गए थे तो बात भी होती थी और हम लोगों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के ज़मीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठे दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, अगर कोई छिप रहा है डर कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा हुआ क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना, पुलिस का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश था आपके भाई की हत्या हुई? और इसमें जो सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे ना, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है। वो सच था कि झूठ था, अब तो इनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं।